मनीष बिहार नाही पूरे देश कशान होएगा जन जन का उपरान होएगा ना काबा काबा कई के सोहरत लूटी दुनिया भर मा चुप्पी साध के मनीष कश्यप पे बैठी हो घर मा दीदी धन्य हो भाई मनीष सच्चाई पे अडिग तुम रहना पूरा देश है साथ तुम्हारे अब ना पीछे हटना। अभी हमारे साथ उत्तर प्रदेश की नेहा सिंह राठौर कही जाने वाली तोसी तिवारी है मित्रों, अयोध्या की बिटिया है और ये बेहतरीन अवधी भाषा में गाना गाकर सरकारों को जगाने का प्रयास करती हैं। बस इतना समझिए जिस तरीके से बिहार की नेहा सिंह राठौर गाना गाती है और पूछती है उत्तर प्रदेश सरकार से कि यूपी में का बा, तो उसी हिसाब से ये भी गाना गाती है और ये बताती है कि यूपी में ई बा। इनका सोशल मीडिया पर गाना काफी वायरल हुआ था चुनाव के समय में, दूसरी नेहा सिंह राठौर के नाम से ये जानी जाने लगी थी। अभी हम इनके गाँव में है और पीपल की छाँव में आज ये बिहार में पत्रकार के ऊपर हुए एफआईआर के ऊपर गाना गाएंगी, इसके बाद यूपी में काबा उसको बताएंगी और इसके बाद तमाम जो बातें हैं उसको गाकर ये गीत और संगीत के माध्यम से सुनाने का प्रयास करेंगी। नेहा सिंह राठौर की अपोजिट तोसी तिवारी, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद भैया यहाँ आने के लिए, हमारे गांव पधारने के लिए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपको लोग नेहा सिंह राठौर का अपोजिट यानी दूसरी नेहा सिंह राठौर कहते हैं, तो वो कहते हैं यूपी में का बा, लेकिन आप कहती हैं यूपी में चीज बा, तो यूपी में क्या क्या बा? लंठन कै भर मार बा सच्चा चौकीदार बा, लंठन कै भर मार बा सच्चा चौकीदार बा, अच्छाई बेखौप है बुराई के बोखार बा, ईबा यूपी मा ईबा यूपी मा ईबा। और सुनिएगा, गुंडन का है पैंट गीली चोरन का है कुर्सी हीली, गुंडन का है पैंट गीली चोरन के है कुर्सी हीली, राजा बन के बैठा है जो शेर पेशावा शेर बा, ईबा यूपी मा ईबा यूपी मा ईबा। तो उन्होंने कहा था, पूछा था यूपी में क्या है, तो उसके अपोजिट में आपने ये चीज जी बताया जी था। यही बताया था मैंने। अच्छा, जो है बिहार में तमाम पत्रकारों के ऊपर एफआईआर हो रहा है, मनीष कश्यप जी जो है अभी तमाम जगह उनके ऊपर एफआईआर है, जेल में है, तो उनके ऊपर कुछ आपने लिखा है क्या? जी देखिए, जो प्रभु श्री राम जी के साथ है, जो सनातन संस्कृत के साथ है, उसके साथ हम सभी लोग हैं, लोक गायक, लोक गायिका और लोक गायिका के जो बिहार में है वो क्या कहते हैं नेहा सिंह जी कहती है हम बहुत मतलब लोक गायिका हैं, तो उनको ये चीज नहीं दिखती क्या अत्याचार हो रहा है बिहार में? तो एक लाइन मैं शुरू करना चाहती हूँ। मनीष बिहार नाही पूरे देश कशान होएगा, मनीष बिहार नाही पूरे देश कशान होएगा, जन जन का उपरान होएगा ना, मनीष बिहार नाही पूरे देश कशान होएगा, जन जन का उपरान होएगा ना, अपने देश के गरीब मजदूरन के जुबान होएगा, अपने देश के गरीब मजदूरन के जुबान होएगा, जन जन का उपरान होएगा ना, मनीष बिहार नाही पूरे देश का शान होएगा, जन जन का उपरान होएगा ना। नेहा सिंह राठौर इस पर चुप हैं, वो उत्तर प्रदेश के लिए लिखती हैं, गुजरात के लिए लिखती हैं, लेकिन बिहार में इतनी बड़ी घटना घटित हो गई है उसके ऊपर वो क्यों नहीं लिखी? उनके लिए सुनाइए। उनके लिए हम सुना रहे हैं। काबा काबा कई के सोहरत लूटी दुनिया भरमा, काबा काबा कई के सोहरत लूटी दुनिया भरमा, चुप्पी साध के मनीष कश्यप पे बैठी हो घर मा, दीदी का तोहरे ओ दीदी का तोहरे ओ, काबा कई चक्का जाम होएगा, जन जन कई उपरान होएगा ना, मनीष बिहार नाही पूरे देश का शान होएगा, जन जन कई उपरान होएगा ना। और मनीष भाई के लिए हम कहना चाहते हैं, धन्य हो भाई मनीष सच्चाई पे अडिग तुम रहना, धन्य हो भाई मनीष सच्चाई पे अडिग तुम रहना, पूरा देश है साथ तुम्हारे अब ना पीछे हटना, छुबो आसमान हम हो काई गुमान होएगा, जन जन कई परान होएगा ना, मनीष बिहार नाही पूरे देश के शान होई, जन जन कई उपरान होएगा ना। और वहाँ की सरकार से निवेदन है, हाथ जुड़ के विनती है कि अब ना बात बढ़ाओ,
बढ़िया। हाथ जोड़ के विनती है कि अपना हाथ बढ़ाओ, बिहार की सरकार मनीष का इज्जत से घर लाओ। पावर कहाँ है नौना, वहाँ की सरकार के लिए है। पावर कहाँ है नौना, तो तोहरो बदनाम होएगा। पावर कहाँ है नौना, तो तोहरो बदनाम होएगा। जन जन का उपरान होएगा ना, मनीष बिहार नाही, हो मनीष बिहार नाही, पूरे देश का शान होएगा। जन जन का उपरान होएगा ना। बहुत बढ़िया। और एक लाइन तमिलनाडु सरकार के लिए है। बिहार से तमिलनाडु तक सबका नींद हराम, बिहार से तमिलनाडु तक सबका नींद हराम। सही सही फैसला लियो, नहीं मच जाए कोहराम। मनीष भैया के मुरीद अब हर नौजवान होएगा। मनीष भैया के मुरीद अब हर नौजवान होएगा। जन जन के उपरान होएगा ना, मनीष बिहार नाही, पूरे देश का शान होएगा। जन जन के उपरान होएगा। अवध की बिटिया, उत्तर प्रदेश की बिटिया, अयोध्या की बिटिया, अवध की माटी की बिटिया, तोसी तिवारी हमारे साथ इस वक्त। और इस वक्त हम लोग अवध की धरती अयोध्या में हैं। और तोसी का गाना जो है सोशल मीडिया पर वायरल होता रहता है। इनका एगो यूट्यूब चैनल है और उस पर ये लोग काम कर रहे हैं। अवधी भाषा में अवध की धरती की पुकार के हिसाब से नए नए तरीके का गीत और संगीत गाकर लोगों को जगाने का, सत्ता को बताने का और दिखाने का प्रयास करते हैं। चैनल का क्या नाम हुआ? हुनर फैक्ट्री म्यूजिक। हुनर फैक्ट्री म्यूजिक पर आप लोग इनके हुनर की सराहना कीजिए, उसको जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी यूपी में ये मनीष कश्यप और बिहार सरकार के ऊपर, तमिलनाडु सरकार के ऊपर गाना था। बहुत अच्छा है, क्योंकि हम जैसे पत्रकारों के ऊपर बिहार में FIR हो जाता है, हम लोग आवाज उठाते हैं तो FIR कर दिया जाता है। इन तमाम चीजों को अगर कोई संगीतकार, गीतकार और अगर कोई गायक अपने गाने के माध्यम तक से सरकार तक पहुंचाए तो सबसे बड़ा गीत और संगीतकार वही होता है। तो उसी ने वही काम किया है, सरकारों तक अपने गाने के माध्यम से आवाज उठाने का प्रयास किया है। एक आध गाना और सुनाइए। यूपी में अगर कुछ बात हो, तोरे लगे भाई कुछ यूपी में? जी जी बिल्कुल है। अपने पेटारा से खोलो। देखिए, कोरोना को मार भगाया, मुक्त में है टीका लगवाया। कोरोना को मार भगाया, मुक्त में है टीका लगवाया। फ्री में राशन आवत बा, भूख से केहू न मरत बा। इबा यूपी मा इबा, इबा यूपी मा इबा। और सुनिएगा, रामराज तो आएगा, काशी मथुरा छाएगा। रामराज तो आएगा, काशी मथुरा छाएगा। भगवा धारी नेता बा, नाम भी उसका योगी बा। इबा यूपी मा इबा। जो लोग कहते हैं यूपी में क्या है, मैं उनको बताना चाहती हूँ, यूपी में अब योगी जी आ गए हैं, इससे बड़ा क्या हो सकता है यूपी में। हाँ। जी तो जो है यूपी में राम राज्य है, राम राज आएगा, काशी मथुरा छाएगा, फ्री में राशन मिला था, कोरोना का दूर भगावत गा, ऐसा कुछ। राम जी आ गए हैं, राम जी आ गए हैं। हम लोग 500 सालों से जो हमारे प्रभु श्री राम जी टेंट में, हाउस में रहते थे, आज भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है, इससे बड़ी खुशी की क्या बात हो सकती है। सब लिखता कौन है? जी हमारे गुरु जी है, राजकुमार शर्मा जी। अच्छा, सब बढ़िया से इतना सजा के कहाँ से लिखते हैं? ट्रेनिंग व्रेनिंग ली है क्या? नहीं सर, बचपन से लिखने का शौक है और लिखते रहते हैं। आप भी गाते हैं? हाँ थोड़ा बहुत गाते रहते हैं। सुनाइए, काद अपने गा के बजा के सुनाइए कुछ। हाँ सुनाइए, मतलब तुरंत सुना दीजिएगा। हाँ सुनाइए कुछ मनीष के ऊपर। हाँ, मनीष बिहार नाही, पूरे देश के शान होएगा। मनीष बिहार नाही, पूरे देश के शान हो, जन जन के उपरान होएगा ना। मनीष बिहार नाही, पूरे देश के शान होएगा। मनीष पूरे। देखिए कहते हैं गांव की मिट्टी और गांव का स्टाइल, पीपल की छांव में हम लोग जो है बैठकर इस गीत और संगीत को सुनने का प्रयास करते हैं। लेकिन तोसी जो है एक लोक गायिका है, अवधी भाषा में गाना गाती हैं, गांव में रहकर गांव की बिटिया जो है लोगों को लुभा रही है और इसके बाद गांव का नाम रोशन कर रही है। बाकी तोसी का एक और चैनल है, उसको आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कुछ और सुनाना चाहिएगा? जी प्रभु श्री राम के चरणों में एक गीत सुनाना चाहते हैं। बजाइए। जब प्रभु श्री राम जी 14 वर्ष बाद आते हैं, तब का है गीत। 14 वर्ष बाद धरे हैं चरण प्रभु, 14 वर्ष बाद धरे हैं चरण प्रभु, सज गए महल चौबरावा, आज अयोध्या में।
रज गए महल चौबरावा आज अयोध्या में। और कहते हैं क्या तीनों मैया की खुशी का ठिकाना नहीं है। मैया की खुशी कहीं ना ही ठिकानावा हो, जगमग जगमग करे है भवनावा हो। मैया की खुशी कहीं ना ही ठिकानावा हो, जगमग जगमग करे है भवनावा हो। पर जाकर स्वागत सत करावा आज अयोध्या में, सज गए महल चौबरावा आज अयोध्या में। आप लोग हमारे चैनल के माध्यम से भोजपुरी गाना गीत और संगीत सुनते हैं रहते हैं, तो सोचा क्यों ना आज अवध की धरती से अवधी भाषा में आपको गाना सुनाया जाए। और जिस तरीके से पत्रकारों के ऊपर FIR हो रहा है, उसको गीत के माध्यम से कैसे गीत के माध्यम से समझाने का प्रयास किया जाए, इसके लिए यहाँ पर हम लोग अयोध्या पहुँचे थे। अभी हमारे साथ तोसी थी, अवध की बिटिया हैं, और इनके तमाम लोग इनके दादा हैं। दादा आप, आपकी नातिन? जी हमारी नतनी है। मतलब नातिन गाती है तो अच्छा लगता है? नातिन गाती अच्छा लगता है, हम भी गाते थे। हाँ, लेकिन अब हमारी 85 साल की उम्र हो गई है, आवाज हमारी अब उतनी नहीं खींच पाते हैं। हाँ, लेकिन पहले हम भी गाते थे। चलिए मतलब दादा वाला गुण नाती के अंदर, नतनी के अंदर आ गया। हाँ, आ गया है कुछ। चलिए ठीक है, इसको लेकिन आगे बढ़ाना है। आगे बढ़ाना है, बिल्कुल बढ़ाना है, बहुत आगे बढ़ाना है। चलिए, इस वीडियो को देखने के लिए तमाम दर्शकों का पुनः एक बार बहुत बहुत आभार, शुक्रिया, शुभकामना मित्रों, धन्यवाद।